जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जो मेरे साथ मंच में अध्यक्षता कर रहे वेद प्रकाश गुप्ता जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्री जगभूषण गर्ग जी, संचालन कर रहे तरुण जी, राजीव सिंघल जी, ईश्वर चंद जी, लब्बू शर्मा जी, और यहाँ पर आए हुए बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता। जैसा बताया गया कि आज के कार्यक्रम का जो संयोजन है वह लगभग 20 वर्ष से अधिक से जो जिनकी आयु संगठन में दायित्ववान या कार्य करते हुए कार्यकर्ता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का भी परिचय हुआ। प्रताप कटारिया जी, यूसुफ खान जी, कैलाश चंद्र शर्मा जी, महेंद्र गोयल जी, राम कुमार वर्मा जी, दीपक गर्ग जी, राजेश गोयल जी, ऋषि पाल पत्रकार जी हमारे बीच में आए, राजीव जी भी बताया कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता में, हरीश गुप्ता जी जी, और यहाँ पे और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश गोयल जी उपस्थित, सब यहाँ कार्यकर्ता रहे, उनका अभिनंदन और सम्मान। मैं आज ज़्यादा बातचीत सुनने के लिए आया था। जब जगमोहन गर्ग जी ने यह बात कही कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का यहाँ पे सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन दादरी में कर रहे हैं, और जगमोहन जी कई वर्षों से मिलते रहे, लब्बू शर्मा जी भी मेरे साथ रहे, तरुण जी भी कई बार मैं आता रहा मिलता रहा, तो आज का महत्वपूर्ण बात ये थी कि मुझे सुनना अपने आप में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग रहता है, और इसलिए मैं कोई बहुत लंबा नहीं बोलूँगा। यह जो बात यहाँ पे मैंने सुनी, इसके साथ इसकी बात को संगठन तक पहुँचाने में मैं बहुत कोशिश करूँगा कि सही तरीके से यह संगठन के ऊपर जहाँ तक सैद्धांतिक तरीके से बात है, यह संगठन मानता है कि एक व्यक्ति को एक ही पद मिलना चाहिए, और यह ऊपर से कोशिश भी रहती है, यह बात संगठन पूरी तरह प्रयास करता है, लेकिन कई बार राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण या कुछ कारणों के कारण यह चीज कई बार चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे जगमोहन गर्ग जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें संगठन के अपने प्लेटफॉर्म पे, संगठन ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो कई सारे प्रकोष्ठ हैं, 16-17 प्रदेश में, 20 प्रकोष्ठ प्रदेश में, केंद्र में लगभग 16 प्रकोष्ठ हैं, 18 विभाग हैं, मोर्चा हैं, 8 मोर्चे हैं, और कई तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो संगठन में, ट्रस्ट हैं, वैचारिक संगठन है, भाजपा का संघ परिवार के अलग अलग संगठन के कार्यक्रम है, बहुत सारे प्रकल्प हैं, उनकी समन्वय बैठक भी होती है, और कोशिश रहती है कि उन संगठनों में प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रखें, अपनी बात को साधारण तरीके से समन्वय के भावना से और अपनी बात को मजबूती से रखना एक तरीके से इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को संगठन की मांग कर कई बार इसकी चिंता भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने अवश्य रखूँगा। अपने आदरणीय गुप्ता जी ने रखा था भारतीय जनता पार्टी की जर्नी, दो चीज़ें हमारे ध्यान में आती है। समाज में भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ही बड़ी संगठन बन गई है, 19 करोड़ पूरे विश्व में, इतनी बड़ी संख्या कहीं भी विश्व में किसी भी संगठन की नहीं है। 19 करोड़ के सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सदस्य हैं, इतने बड़े संगठन विश्व में कहीं भी नहीं है, और यह जो जर्नी है यह जनता के बीच में भी है, और इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य संगठन के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। कार्यकर्ता जो है संगठन में, वह दो तीन बात आवश्यकता उनके ध्यान में रहती है कि वैचारिक जो आधार है, अधिष्ठान है संगठन का, वह कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसकी जन आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में बहुत अच्छी तरह से वर्तमान में आदरणीय मोदी जी ने समन्वय किया है। आज जब मोदी जी कहते हैं, आज इतना बड़ा संगठन, इतने 17 से अधिक प्रदेशों में
भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में है वो केंद्र में 303 से ऊपर कार्यकर्ता जो हमारे संसद में सदस्य हैं और इतने 30 वर्षों बाद इतना बड़ा कोई महत्वपूर्ण जीत के बाद कोई राज सत्ता में आए हैं, उसका कारण ये है कि दोनों जगह पे सरकार ने, मोदी जी ने और हमारे वर्तमान नेतृत्व में ध्यान रखा है। 90 करोड़ लोगों को अभी परसों ही जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था ई रूपी के, उसमें उन्होंने बताया कि 90 करोड़ लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं ने सीधे जोड़ा है अपने साथ, और उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक तरफ तो जनता को अपने साथ जोड़ने का बहुत सारे विस्तृत कार्यक्रम का संचालन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जल आपूर्ति की योजना हो, ऐसी अनेकों महत्वपूर्ण योजनाओं से लगभग 90 करोड़ लोगों को पूरे देश में किसी न किसी योजनाओं का लाभान्वित करने का सरकार ने काम किया है। लेकिन उन कार्यक्रमों से, उस लाभ से लाभार्थियों को पार्टी के साथ वोट में कन्वर्ट करने का और संगठन से जोड़ने का काम हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है, और यह अगर नहीं होता, जब भी हमारे अमित शाह जी बोलते हैं या नड्डा जी बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उन लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में आइडेंटिफाई करके उन लाभार्थियों को अपने संगठन के साथ वोट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे कार्यकर्ता करते हैं। साथ में कार्यकर्ताओं को जो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे महत्वपूर्ण कार्य संगठन के साथ जोड़ने के लिए वैचारिक अधिष्ठान है, जैसे धारा 370 को हटाना है, या जो अंत्योदय की योजना है, राम मंदिर का निर्माण है, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण वैचारिक अधिष्ठान के भी कार्यक्रम सरकार ने और संगठन ने लिया है। इतने सारे, और यह बात पूरी तरह से संगठन के ध्यान में, अभी मैं आदरणीय बंसल जी से उत्तर प्रदेश में मिला था, उसमें जो हमारे जो वैचारिक अधिष्ठान में जो पंडित दीनदयाल जी हैं, उन्होंने क्या कहा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर हाथ को काम, यह संगठन के लिए एक मजबूत एक दिशा निर्देशन है। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई काम निश्चित करना ताकि वह उस संगठन से जुड़ता रहे, यह महत्वपूर्ण काम है। तो और यह बात भी संगठन के ध्यान में बहुत अच्छी तरह आती है कि अगर संगठन में जो कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ा नहीं रहेगा तो इलेक्शन के समय में उसके साथ उसको जोड़ने में, वोटर को जोड़ने में मुश्किल होगी। दूसरी पार्टियों से और भारतीय जनता पार्टी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है, संगठन का बहुत महत्व है, इस संगठन के महत्व को हम जानते हैं और इस चीज़ को पूरी तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रखा जाता है, बातचीत की जाती है, और उसी के कारण इतने सारे प्रकल्प भी बनाए जाते हैं। और मुझे एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने, सभी वक्ताओं ने ज़्यादातर कहा सम्मान और पद में फर्क है। पद अगर इतने बड़े संगठन को चलाना है, नए नए लोगों को जोड़ना है, 19 करोड़ लोगों को हमने जोड़ा है संगठन के साथ, तो उनको भी समावेश करना है, उनको भी कुछ पद देना है, उनको भी कोई स्थान देना है। और संगठन में किसी भी, हम तो जैसे भारत विकास परिषद संघ, किसान संघ, मजदूर संघ, इतने संगठनों को चलाते हैं, हर बार कोशिश करते हैं कि नए नए लोगों को हर बार 2 साल बाद या 1 साल बाद अगर परिवर्तन हो, नए लोगों को जोड़े, उनको पद दे, उनको मार्गदर्शन दे, उनको काम के साथ जोड़े, नई ऊर्जा के साथ चढ़े। लेकिन सम्मान सबको मिलना चाहिए, पद अगर किसी के साथ नए लोगों को देने की भी आवश्यकता होती है तो यह बात भी दोनों का समन्वय करना चाहिए। एक हमारे प्रकोष्ठ भी इस बार बनाया गया, उसको और मेरे को लगता है कि तेजी से चलाना चाहिए, वह है वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ। इस प्रकोष्ठ को और एक्टिवली काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह सारी बातों को मैं जरूर अवश्य आगे लेके जाऊंगा, बातचीत हमारे ध्यान में है। मैं संगठन की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यह संगठन के नेतृत्व में यह बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि संगठन में सब लोगों के लिए और वरिष्ठ लोगों के सम्मान के साथ जोड़े,
तभी जब 1975 में जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका हर वर्ष हम कार्यक्रम करते हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम करते हैं। जो हमारे अलग अलग जो कार्यक्रम हैं, बहुत सारे कार्यक्रम संगठन चलाता है जिसमें वरिष्ठ लोगों को आइडेंटिफाई करके उस काम को चलाना चाहिए। एक काम मुझे लगता है कि आप लोग जगमोहन जी कर सकते हैं, या मैंने बहुत जगह देखा है कि हमारे संगठन में यह कमी है, वह यह है कि हम लोग काम तो करते हैं, मेहनत से करते हैं, और लेकिन हम उसका डॉक्यूमेंटेशन और डेटा प्रॉपर नहीं रखते। हम लोगों ने संगठन में यह कार्य किया था और आदरणीय अमित शाह जी इस बात के लिए बहुत ही निष्ठा से बार बार बोलते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 700 से ऊपर जिले हैं तो 550-600 जिलों में हम लोगों ने केंद्र सरकार में डिपार्टमेंट वाइज लाइब्रेरी बनाई है। वेबसाइट भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी है और वह कहते हैं जो भी कार्यक्रम करें उसको प्रॉपरली फोटोग्राफ लिख करके डॉक्यूमेंट करके उसकी बुकलेट निकालें। उस बुकलेट को अगर निकालेंगे तो कोई नकार नहीं सकता। डॉक्यूमेंटेशन को, फोटोग्राफ को वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप में 150 लोग नरेंद्र मोदी ऐप के जो भी कोई आप पोस्ट कर, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है, किसी की पिछौनी की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐप से आप अपने ग्रुप बनाइए, दादरी ग्रुप बनाइए, उसमें जोड़िए, उसमें अपने कार्यक्रमों को पोस्ट करिए, अपनी बात करिए, 150 लोग उसको आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को वो कंपाइल करते हैं, बात करते हैं, और अगर कोई बातें आती हैं तो प्रधानमंत्री अपनी मन की बात है उसमें लगे। तो संवाद का एक बहुत बड़ा एक फीडबैक का प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह एक्टिवली काम किया है। सोशल मीडिया हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, फेसबुक है, नरेंद्र मोदी ऐप मैंने बताया। तो मेरा को लगता है कि एक काम आप आज के दिन में ये ले सकते हैं, कोई एक 3-4 लोगों की कुछ में पत्रकार वगैरह को भी जोड़ के कि यहाँ पे जी उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए। 1951-52 से भी लोग कुछ जोड़े हैं जो भारतीय जनसंघ के टाइम में, संगठन के टाइम से यहाँ थे, ये 1985 में भारतीय जनता पार्टी जब से बनी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए, एक बुकलेट बनाइए, उसमें जिस व्यक्ति ने जो काम किया है उसका परिचय डाल के उसके कार्य को एक दो पेज में लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का प्रकल्प आगे भी लेके भी जाते हैं कई बार उससे। लेकिन मुझे लगता है वो काम अगर आप कर देंगे, डेटा बैंक बना देंगे, सोशल मीडिया वगैरह पे डाल देंगे, तो वह कोई भी नकार नहीं सकता। बीच के लोग अगर उसमें कोई अड़ंगा डालते हैं या कोई इंफॉर्मेशन फ्लो को रोकते हैं तो वह चीज़ रुक नहीं सकती, और इस बात को बिल्कुल नकारते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वरिष्ठ लोगों के बिना संगठन नहीं चलता, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन संगठन के लिए प्रक्रिया एक रहती है, फ्लो की भी साथ में चलती है, वह बहुत आवश्यकता। 2-3 चीज़ें और संगठन कर रहा है, ई चिंतन शिविर करे जा रहे हैं। ई चिंतन शिविर में सबसे बड़ी समस्या संगठन के प्रति आज की डेट में क्या है कि नए लोग आ रहे हैं, वो आवश्यकता है जो भी रहे, लेकिन उन लोगों को वैचारिक रूप से उनको कैसे समझाया जाए। मैं तो नए लोगों को कई बार देखता हूँ, कई लोग नए आते, उन्हें संघ परिवार या जो 25 से 30 संगठन हैं उन्हें पता ही नहीं है कि किसान संघ क्या है, विद्यार्थी परिषद क्या है, सेवा भारती का कितना काम है, वनवासी कल्याण आश्रम का कितना काम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कितना काम है। तो यह सारे संगठनों के कारण जो क्रेडिट है वह फ्लो करता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास, तो इसका बड़ा महत्व है। तो वैचारिक रूप से नए लोगों को शिक्षण देना, उनको विचारों से अवगत कराना, उन विचारों का उसमें वो प्रॉपरली करना, तो प्रशिक्षण शिविर को भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है केंद्र से, केंद्र स्तर से प्रदेश स्तर पे, प्रदेश की टीम तैयार होती है तो वो जिला स्तर पे, जिला के स्तर पे, मंडल स्तर पे, और उसमें बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं को कई चीज़ों के लिए बोलने के लिए आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों में कर सकते हैं कि जो नए मंडल के प्रशिक्षण है, जिले के प्रशिक्षण है, उसमें 6 विषय जैसे हमने आइडेंटिफाई किए, राष्ट्रीय सुरक्षा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन, जो
जन कल्याणकारी योजनाएं, ऐसे 5-6 विषय के, तो इस तरह के कार्यक्रमों को आगे लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों में जरूर मैं इस बात को लेके जाऊंगा और मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे बुलाया, आप लोगों से मिलने का मौका दिया। और एक जगमोहन जी ने बिल्कुल बात सही की है कि बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो माँ उसके आगे कोई भी उसको दूध पिलाती नहीं। तो आपको अपने प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए, कोई डिनाई कर नहीं सकता। जितने वरिष्ठ लोग हैं उनकी बातों को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। कुछ लोग दबा तो सकते हैं पब्लिकली, लेकिन उसको डिनाई उनकी चीज़ों को नहीं कर सकते। तो अपनी बातों को रखें, संगठन उनको सुनेगा। संगठन का महत्व ही तभी बनता है कि वह कार्यकर्ताओं की बात सुने और उनको मजबूती प्रदान करे, और कार्यकर्ता ही संगठन की नींव है, वही मजबूती है। बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। हम राजीव